वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने मंगलवार को दुर्ग सर्किट हाउस में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयीन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बीएड की मनमानी फीस को लेकर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक दो है, एक अभी हो गया है, हेमचंद यूनिवर्सिटी के वीसी से लेकर रजिस्ट्रार से लेकर सारे स्टाफ का जो बैठक था उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जो बीएड के छात्र हैं 60,000 रुपये मूल फीस है, उनसे 2 लाख रुपये वसूला जाता था कॉलेज के। ऐसी जो भी शिकायत आई उस कॉलेज के खिलाफ मैंने पहल करने कहा है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कई ऐसे महाविद्यालय हैं जिनको जो दुकान की तरह खुल गए हैं, जिनके नॉर्म्स में कई सारी चीज़ें आती है कि 2 एकड़ ज़मीन शहरी क्षेत्र में होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ ज़मीन होने चाहिए, महाविद्यालय की क्लासेस के क्या साइज़ होने चाहिए, ऐसे कई विषय थे। ये सभी विषयों पे मैंने कहा है, सेंटर चेंज हो जाता था। हमारे जो युवा साथी हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल आते हैं। शहरी क्षेत्र में तो बच्चों के पास गाड़ी है, स्कूटी है, उनके पास नहीं, भूखे प्यासे आते हैं, भूखे प्यासे जाते हैं। अगले साल से सेंटर चेंज ना हो ये पहल करने के लिए मैंने कहा। इसके लिए सभी क्लासरूम में टेम्प्रेरी जो है 1 महीने के लिए सीसीटीवी कैमरा रेंट पे लिया जाएगा। जो ऐसे कॉलेजों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, 60,000 की जगह 2 लाख अगर वो ले रहे हैं और इसकी जानकारी अगर मान लो हमारे यूनिवर्सिटी के लोगों को है तो एक बड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। छात्रों की शिकायत आई थी उसी के आधार पर और उन्होंने हेमचंद यूनिवर्सिटी में भी शिकायत की है और कल से एक डेस्क बनेगा। जो भी छात्र किसी भी कॉलेज में अगर कोई पैसा लेते पकड़ाता है कि 60,000 की जगह अगर 2 लाख ले रहे हैं, उसकी शिकायत अगर उस डेस्क पे करते हैं तो उस कॉलेज को नोटिस भी दिया जाएगा, मान्यतावाद भी होगा और सील कर दिया जाएगा।